आदित्य हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं विराट कोहली के घर के बाहर से। आदित्य, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है विराट कोहली के घर पर? बिल्कुल सीधे तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इस समय विराट कोहली के जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने एक भव्य आयोजन किया है और यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो हवन की तैयारियां हैं वो यहां पर चल रही हैं और कहीं ना कहीं एक पूरा पंडाल यहां पर तैयार किया गया है। जो यहां का पार्क है वहां पे व्यवस्था की गई है किस तरीके से बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग हैं वो एक साथ बैठेंगे अपने ही सोसाइटी के एक लड़के को जिसने वाकई में कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है, एक नया मुकाम पूरे विश्व पटल पर अंकित किया है, उसको लेकर आज यहाँ पर उत्साह है। कहीं ना कहीं उसको चीयर्स करने के लिए यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं वो सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ पर देखिए लोग पहुंचे हुए हैं, बच्चा भी है। क्या नाम है आपका? पराक्रम भारती। पराक्रम, किस तरीके से एक्साइटमेंट है आज? आपके ही पड़ोस के विराट हैं जो आपके ही पास में उनका घर है और आज इतने बड़े पद पे और इंडिया वर्ल्ड कप है, कितना एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट है। अब जैसे कि मैं भी क्रिकेट की एकेडमी लाता हूँ, विराट सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन है। मैं कल एक टूर्नामेंट खेल के आया हूँ, उसका फाइनल GRM अंडर 13 ट्रॉफी जीत के आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि विराट सर ट्रॉफी जीत के आए। बिल्कुल, कितना एक्साइटमेंट है कि आपके ही पड़ोस का बच्चा है? बहुत एक्साइटेड है और हम लोग बहुत उनके लिए विशेष देते हैं पूरी सोसाइटी की तरफ से कि इस बार भी वर्ल्ड कप लेके आए और पूरे विश्व में झंडे लहरा दें, हमारा तिरंगा लहरा दें, और बहुत बेस्ट विशेष है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तस्वीरें जो है उत्साह की वो सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। ये वही सोसाइटी है जहाँ पर विराट कोहली का बचपन बीता और यहाँ पे जितने भी लोग हैं लगातार लोगों का आना शुरू हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं उत्साह के साथ हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर जो हवन है वो शुरू होने वाला है। राम दरबार का चित्र रखा गया है। कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आज जो विश्व कप है वो भारत को मिले, भारत की जीत हो। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर यहाँ के रहने वाले विराट कोहली है, दिल्ली का लड़का जो विराट कोहली है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करे और 2011 की तरह, क्योंकि यहाँ पे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते थे तो वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद फिर एक बार उम्मीद है कि आज जब विश्व कप भारत की झोली में आएगा तब कहीं ना कहीं यहाँ पर आज शाम को दिवाली मनाई जाएगी।